अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस जो है वो ओल्ड एज लोगों में ही क्यों होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आर्थराइटिस जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर हमारे जॉइंट्स यानी हमारे जो जोड़ होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। आर्थराइटिस एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म होती है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती, इसके अंदर काफ़ी सारी जो है कंडीशंस इसके अंदर होती हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, गाउट होता है, फिब्रोमायल्जिया होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, अल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और इसके अलावा जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, और इस तरह की और भी कुछ इकसाम होती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो आर्थराइटिस की टाइप्स होती हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली ये हो रहा होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो बोन्स होती हैं, एंडिंग की जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक हार्ड स्लिपरी टिशू की, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो जो है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। उस रप्चर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होती है वो होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में ये होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी अपनी बॉडी के जो क़ुव्वत मदाफ़ियत के सेल्स होते हैं, यानी जो हमारी अपनी इम्यूनिटी होती है, वो हमारे जॉइंट्स के सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, वो उनको फॉरेन एजेंट समझ के जो है उन पर अटैक शुरू कर देती है, और जो है इस तरीके से वो जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसके नतीजे में जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा अगर हम ये डिस्कस करें कि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड एज लोगों में क्यों होता है, तो ये ओल्ड एज लोगों में इसलिए होता है क्योंकि वक्त के साथ साथ ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो हमारे जॉइंट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है वेयर एंड टेयर का, यानी कि रगड़ लगने से जो है घिसने का जो अमल होता है चलने फिरने के बाद या और उम्र के साथ साथ जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो है एक बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर भी आ रहा होता है, और जॉइंट जो है वो वीक हो जाते हैं। उसके अलावा वक्त के साथ साथ जो बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसकी वजह से बोन्स जो उनकी वीक हो जाती हैं, और उसके साथ साथ मसल्स जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। 40 साल के बाद ख़ास तौर पे ख़वातीन में हड्डियाँ और मसल्स जो हैं उनके काफ़ी हद तक जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर उनकी डाइट अच्छी ना हो, उनका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, तो वो और ज़्यादा मज़ीद वीक हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि ख़ास तौर पे जिनकी एज 65 से अबव होती है, और वो उनको जो है ओबेसिटी का भी मसला होता है, यानी मोटापा भी होता है, उनको डायबिटीज़ भी होती है और हार्ट डिजीज़ भी होती है, तो फिर उनके जो है जॉइंट्स में आर्थराइटिस होने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ही नेचुरल एक प्रोसेस हो रहा होता है उम्र के साथ साथ, लेकिन अगर किसी को इस तरह की ये बीमारियां होती हैं तो फिर उनको जो है आर्थराइटिस होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं।